सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने की नई परंपरा की शुरुआत। जनता के सामने रखा सदन के कामकाज का लेखा जोखा। कहा, पिछले 5 साल में विपक्ष के कम सहयोग के कारण 2004 से 2009 के मुकाबले कम हुआ विधायी कामकाज। बिहार को केंद्र की सौगात। पटना मेट्रो रेल परियोजना पर कैबिनेट की मुहर। 5 साल में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से होगा निर्माण। एनआरआई मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल को भी मंजूरी। एनआरआई से शादी करने वाले भारतीय नागरिकों को मिलेगी सुरक्षा। चुनाव पूर्व गठबंधन पर कांग्रेस, एनसीपी और टीएमसी समेत विपक्षी दलों में सहमति। लोकसभा चुनाव से पहले साथ मिलकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने का फैसला। बीजेपी पहले ही महागठबंधन को लेकर विपक्ष की कोशिशों को कर चुकी है खारिज। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को चेक का करेंगे वितरण। दिल्ली सरकार बनाम एलजी के बीच अधिकारों की जंग पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा सेवाओं और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। पिछले साल फैसले में सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक नैतिकता बरकरार रखने की आवश्यकता पर दिया था जोर। केंद्रीय कैबिनेट की कल हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पटना मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे बिहार में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। पटना में दानापुर से मीठापुर और पटना रेलवे स्टेशन से नए ISBT के बीच 31.39 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण होना है। मेट्रो कॉरिडोर बनाने में 13,365 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। 17 फरवरी को पटना मेट्रो परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसके 2 कॉरिडोर होंगे, दानापुर से मीठापुर लगभग 17 किलोमीटर का और पटना रेलवे स्टेशन से न्यू ISBT लगभग 14.5 किलोमीटर का। ऐसे 2 कॉरिडोर्स वाला बिहार का सबसे पहला मेट्रो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार और बिहार सरकार का संयुक्त 50-50 पार्टनरशिप में 50% पैसा केंद्र सरकार और 50% पैसा बिहार सरकार इस पे खर्च करेगी। वही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2019-20 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कच्चे जूट की उचित औसत किस्म का MSP 2019-20 सीजन के लिए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 3,950 रुपए कर दिया गया है, जो 2018-19 के सीजन में 3,700 रुपए प्रति क्विंटल था। अधिकांश पूर्वी भारत के लिए यह है, वो है रॉ जूट के वर्ष 2019-20 सीजन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमने वृद्धि की है 250 रुपए की। अब आज के दिन 3,700 रुपए है और अब 250 रुपए की वृद्धि की गई है वर्ष 2019-20 के MSP में रॉ जूट के, जो 6.75% का इंक्रीज है। आपने देखा होगा कल ही आंकड़े आए हैं महंगाई के, जो सिर्फ 2.05 यानी 2% की महंगाई चल रही है, उसके बावजूद जो रॉ जूट है उसको प्रोत्साहन करने के लिए और हमारे किसानों को ज्यादा आमदनी मिले उसके लिए जो MSP है रॉ जूट का 19-20 वर्ष के लिए, उसमें 6.75% 250 रुपए की वृद्धि करके अब 3,950 रुपए ये तय किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2019 से आगे 3 साल और बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वहीं अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित वृहत कार्यक्रम की उप योजनाओं को 11,900 करोड़ रुपए के परिव्यय से 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NRI अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 पेश करने को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ भारतीय नागरिकों विशेषकर NRI जीवन साथियों द्वारा अपनी अपनी पत्नियों का उत्पीड़न करने के खिलाफ उन्हें अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान करना है। कई वर्षों से मांग थी जिसका, क्योंकि अर्जेंट था, इसको हमने राज्यसभा में प्रधानमंत्री की आर्टिकल 12 में मंजूरी लेके, रूल 12 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस में मंजूरी लेके राज्यसभा में पेश किया था। अ बिल टाइटल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस बिल 2019, ये राज्यसभा में 11 फरवरी को प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्यसभा में रहने के कारण अब लोकसभा का टर्म खत्म होने के बावजूद अब ये बिल राज्यसभा में रहेगा और आगे इस पे कार्रवाई हो सकेगी। इसके अलावा तमिलनाडु के कुन्नूर में वायरल वैक्सीन निर्माण की नई इकाई की स्थापना के लिए पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए 30 एकड़ भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही आतंकवाद से निपटने पर एक संयुक्त कार्य समूह यानी JWG की स्थापना के लिए भारत और मोरक्को के बीच समझौते को मंजूरी दी गई है। बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वो उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को चेक भी बांटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन को देखते हुए पूरे प्रदेश में जोश है। रैली में कुमाऊं मंडल के साथ साथ गढ़वाल मंडल के लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रहे क्रीडा यूथ कॉन 19 को आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू संबोधित करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रीडाई ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लिए तेजी से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं और ये मकान दुगनी गति से बनाए गए हैं ताकि 2022 तक लक्ष्य को हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज देश के गांव और शहरों में लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 15 लाख घर शहरी गरीबों के लिए बनाए जा चुके हैं। पिछली सरकार के 10 वर्षों में शहरों में गरीबों के लिए 8 लाख घर बनकर तैयार हुए और बीते 4.5 वर्षों में लगभग 15 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं, यानी लगभग 2 गुना ज्यादा। यही गति है जिसके बल पर हम 2022 तक हर बेघर को छत देने की बात कर रहे हैं। क्रीडा यूथ कॉन 19 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019-20 के अंतरिम बजट से आवास क्षेत्र को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बजट में 5 लाख रुपए तक की कमाई वालों को इनकम टैक्स से पूरी छूट दी गई है। इसका लाभ भी रियल एस्टेट को मिलेगा क्योंकि जो भी पैसा बचेगा वो इस क्षेत्र में जाएगा। किराए से होने वाली TDS की छूट सीमा को 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही आवासीय संपत्ति की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ का अब 1 के बजाय 2 मकान में निवेश की अनुमति दे दी गई है। साथियों, मध्यम वर्ग के बहन भाई, विशेष तौर पर हमारे युवा साथी अपने घर के सपनों को पूरा करें, इसके लिए हाल में बजट में कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया है। इससे युवा साथी अपने कैरियर की शुरुआत के दौर में अपना घर खरीदने के लिए
और अधिक प्रोत्साहित होंगे। कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए लोग घर की बिक्री से मिली रकम को एक की जगह दो घरों में लगा सकते हैं। अब तक घर की बिक्री से मिली रकम को साल भर के भीतर दूसरे घर को खरीदने पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट सिर्फ एक घर पर मिलती थी, वो अब दो घरों पर मिलने वाली है। अभी आपका काम है कि जहां पर आप पुराना बंगलो लेकर के फ्लैट की स्कीम रखते हो उसको समझाओ। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4.5 साल के दौरान रियल एस्टेट में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से रियल एस्टेट क्षेत्र में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगी है। साथ ही कहा कि सरकार के प्रयासों से इस क्षेत्र की खोई साख बहाल करने में मदद मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्डरों को भी अपनी साख बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। रियल एस्टेट को बीते कुछ दशकों में सबसे अधिक समस्या भरोसे की कमी से आई। 4.5 वर्ष पहले तक स्थिति यह थी कि मध्यम वर्ग का परिवार घर पर पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचता था। हमने देखा है कि कैसे लाखों लोगों को अपने घर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। खून पसीने की कमाई कुछ लोगों की बेईमानी के कारण फंस गई थी। साथियों, इसी भरोसे को फिर से लौटाने के लिए सिलसिलेवार अनेक तरीके से अनेक प्रयास किए गए हैं। नोटबंदी का जो फैसला था उसका बहुत बड़ा लाभ रियल एस्टेट को यह हुआ कि जो गलत पैसे से भ्रष्टाचार की कमाई से यहां फलने फूलने की सोच रहे थे उनके लिए रास्ते बंद हो गए। अब वही लोग इस सेक्टर में आगे बढ़ पाएंगे जो ईमान से को मुनाफे को ऊपर रखते हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाने पर गहरी चिंता जताई है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले कल सभापति ने सदन को जनता के लिए जवाबदेह बताते हुए कामकाज पर रिपोर्ट टू द पीपल पेश की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्र में राज्यसभा की उत्पादकता बहुत ही कम रही। सभापति ने कहा कि वर्तमान सत्र में होने वाली कुल 10 बैठकों के कामकाज में 48 घंटों में से करीब 44 घंटे गतिरोध की भेंट चढ़ गए। सदन के कामकाज का प्रतिशत मात्र 4.9 रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में विपक्ष के कम सहयोग के कारण 2004 से 2009 के मुकाबले कम विधायी काम हुआ है। सिंस जून 2014 राज्यसभा हेल्ड 18 सेशंस एंड 329 सिटिंग्स टिल टुडे एंड पास्ड ओनली 149 बिल्स। दिस कम्स टू लेस देन ए बिल इन टू सिटिंग्स। द बिल्स पास्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 39, लेस देन द 188 बिल्स पास्ड ड्यूरिंग 2009 एंड 14 and an astonishing 63 bills lesser than 251 bills passed by this House during 2004 and 9. These statistics clearly show that the legislative output of this House has substantially declined since 2014. Question hour is primarily meant to ensure accountability of the executive of the day. Calling attention notices, short duration discussions, besides zero hour and the provision for making special pensions are meant for raising issues of public importance and concern. But we had shown respect for the same. Every question hour lost means an opportunity of seeking answers from the government on 8 issues of policy, implementation and governance by 40 members. Every 0 hour lost means depriving 15 members raising their immediate issues of importance. Since June 2014, the productivity of the August House in terms of the time available and the time utilized for raking up taking up the legislative business and issues of public concern is only 60%. Who is to be held accountable for this? We all have to ponder over this. Of the 18 sessions over the last 5 years, the productivity of the House has been below the 5-year average of 60% in respect of 9 sessions. In terms of bills passed, it ranged from just one bill in the case of intersession of 2016
under the budget session of 2018, two bills passed during the monsoon session of 2015 to a maximum of 14 bills each passed during the monsoon session of 16 and 18. While the sittings of the House as per the year during the last 5 years have been as per the trend of 60 to 70 days, the declining productivity of legislature output is a matter of deep concern. सदन में सभापति एम वेंकैया नायडू ने यूट्यूब पर राज्यसभा टीवी के 20 लाख सब्सक्राइबर होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा टेलीविजन देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला चैनल बन गया है। सभापति ने कहा कि सदन की कार्यवाही के प्रति लोगों की जागरूकता और चैनल के कंटेंट के प्रति लोकप्रियता को ये दर्शाता है। I have also a small good news. The Rajya Sabha TV is a property of the House. I am happy to inform that the Rajya Sabha TV on the 4th of this month crossed 2 million mark in terms of YouTube subscribers and has emerged as one of the leading channels, has grown 5 times since then. This reflects on the interest of the people in the proceedings of the House and related content. राफेल विमान सौदों को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच फ्रांस के वायुसेना के 3 राफेल फाइटर प्लेन भारत पहुंच चुके हैं। फ्रांस निर्मित 3 जंगी जेट विमान 20 फरवरी से शुरू हो रहे एरो इंडिया शो 2019 में हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में भाग लेने के लिए पहुंचे 3 राफेल लड़ाकू विमान में से सिर्फ 2 ही उड़ान भरेंगे, वहीं तीसरा डिस्प्ले के लिए होगा। वहीं राफेल मामले पर संसद में पेश सीएजी रिपोर्ट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे सरकार की जीत बताया तो कांग्रेस ने सीएजी रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो, सीएजी भी गलत हो, सिर्फ एक परिवार ही सही हो। रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार ने यूपीए के मुकाबले 2.86% सस्ती दरों पर राफेल विमान की खरीद की है। हालांकि रिपोर्ट में कीमत का जिक्र नहीं है। बजट सत्र के आखिरी दिन संसद के दोनों सदनों में राफेल डील पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में एनडीए की 36 राफेल विमानों की नई डील को पिछली यूपीए सरकार में हुई 126 विमानों वाली पिछली डील से बेहतर बताया है। इसमें तुलना करके बताया है कि पिछली डील में बदलाव करने से सौदा 2.86% सस्ता हुआ और देश की 17.8% रकम बची है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठाने पर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो, सीएजी भी गलत हो, सिर्फ एक परिवार ही सही हो। Well, the CAG report has completely vindicated the stand of the NDA government. It has blasted the big lie which was being spearheaded by the Congress party. The Congress president had manufactured a statistic, 500 versus 1600, a data which doesn't exist anywhere on any record. And on that manufactured data, he repeated that lie ad nauseum to the country on various occasions. Ordinarily, when the Supreme Court saw the pricing, examined the procedures, examined the offset provisions and found no substance, the controversy should have come to an end. Congress samet kai vipakshi dalon ne CAG report par sawal uthaye hain. That the negotiators actually placed a dissent note, that the negotiators actually said 55% cost escalation, that the negotiators actually said that delivery would happen later in the second year. This is not here. The 2.5% increase that they talk about still catches the lie of the Prime Minister, the Defence Minister, Finance Minister of 9-20% escalation. Congress इन दिनों राफेल विमान की खरीद का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, लेकिन CAG रिपोर्ट ने उनके दावों की पोल खोल दी है। संसद में रिपोर्ट पेश होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार सुबह परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 72,400 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ करार के बाद भारत सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला लिया है। ANI के मुताबिक बुधवार को केंद्र सरकार ने रूस के साथ मिलकर करीब 7,47,000 क्लाशनिकोव राइफलों के निर्माण के करार का फैसला किया है। इन राइफलों को बनाने के लिए प्लांट उत्तर प्रदेश के अमेठी में लगाया जाएगा। दोनों देशों की सरकार के बीच होने वाले इस करार के तहत रूस की क्लाशनिकोव
कंसर्न और भारत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मिलकर AK-47 की तीसरी पीढ़ी की राइफलें AK-203 तैयार करेगा। दोनों देशों के बीच आधिकारिक समझौते पर दस्तखत इस हफ्ते के आखिरी तक होने की संभावना है। उसी वक्त करार से जुड़ी कीमत, समय सीमा जैसी अन्य जरूरी जानकारियां सामने आएंगी। ये समझौता रक्षा मंत्रालय के उस प्रस्ताव के तहत हो रहा है, जिसके तहत मंत्रालय ने 6.5 लाख राइफलों की खरीद के लिए अभिरुचि पत्र मांगे थे। ये राइफलें पूरी तरह मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही बनाई जाएंगी। इस करार में भारत सरकार की पॉलिसी के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास मेजॉरिटी शेयर 50.5% रहेगा, जबकि रूस के पास 39.5% शेयर होंगे। 49.5% शेयर रूस के पास होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में कल राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के घर बुधवार को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थीं। सभी नेताओं ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बातचीत जारी रहेगी। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सभी प्रमुख विपक्षी दल जल्दी चुनाव पूर्व गठबंधन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ जगहों पर गठबंधन के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करके बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारें। That we are going to start a conversation about a common minimum program. We are going to start putting together the pieces, and that discussion is now beginning. And we have a commitment that we are all going to work together to defeat the BJP. National level है, हम लोग एक साथ में काम करेंगे। तीसरी बात ये है, हम लोग common minimum agenda program हम लोग तैयार करेंगे। चौथी बात ये है कि हम लोगों ने pre-poll alliance कर लेंगे, जैसे election का बाद कोई दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में अधिकारों को लेकर आज फैसला सुना सकती है। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और एलजी के बीच सर्विसेज, एंटी करप्शन ब्रांच वगैरह पर कायम गतिरोध दूर हो सकता है। जस्टिस ए के सीकरी ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले साल 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि उपराज्यपाल के पास दिल्ली में सेवाओं को विनियमित करने की शक्ति है। बीकानेर भूमि घोटाले के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय ने कल दूसरे दिन बुधवार को भी करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। दूसरे दिन की पूछताछ के दौरान उनके वकीलों को अलग रखा गया। इससे पहले मंगलवार को रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन से प्रवर्तन निदेशालय के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में लंबी पूछताछ हुई थी। बीकानेर जिले में जमीनों के आवंटन में धांधली को लेकर 2015 में ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था। बीकानेर में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने बड़ी संख्या में जमीनें खरीदी थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। विदेशों में संपत्ति खरीद में धन शोधन मामले में ईडी ने पिछले सप्ताह दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की थी। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार कल लगातार 5वें दिन सीबीआई के सामने पेश हुए। सीबीआई ने करीब 3 घंटे तक राजीव कुमार से पूछताछ की। इस मामले में सीबीआई ने पूछताछ खत्म करके उन्हें कोलकाता वापस लौटने की अनुमति दे दी है। साथ ही मामले में सीबीआई ने 9 फरवरी को राजीव कुमार से पूछताछ शुरू की, जो बुधवार तक चली। राजीव कुमार से शारदा घोटाले में सबूतों से कथित छेड़छाड़ में उनकी भूमिका के संबंध में पूछताछ की गई है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस का भारत दौरा फिलहाल टल गया है। खराब मौसम की वजह से उनकी भारत यात्रा टली है। हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु के साथ आज उनकी व्यापार मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता होनी थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2007 में $58 अरब से बढ़कर 2017 में $126 अरब हो गया। और बात खेलों की करेंगे। भुवनेश्वर में 4 देशों के गोल्ड कप महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में म्यांमार ने भारत को 2-0 से हरा दिया। इससे पहले नेपाल ने अपने अंतिम मैच में ईरान को 3-0 से हराया। अब शुक्रवार को फाइनल में नेपाल का मुकाबला म्यांमार से होगा।
लक्ष्य सेन और हर्षिल दानी सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने विपुल सैनी को 21-14, 21-13 से हराया। हर्षिल ने बलराज काजला को 21-14, 21-15 से मात दी। इसके अलावा पूर्व चैंपियन सौरभ वर्मा और ऋतुपर्ण दास भी अगले दौर में प्रवेश करने में सफल रहे हैं। और अब बात खास शख्सियत की। वीनस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन के नाम से मशहूर हिंदी फिल्मों की अदाकारा मधुबाला की आज जयंती है। मधुबाला को उनकी अदायगी और सौंदर्य के लिए आज भी सिने प्रेमी शिद्दत से याद करते हैं। गाना शकील बदायूं का, संगीत नौशाद का और नृत्य निर्देशन लच्छू महाराज। लेकिन जब पर्दे पर मधुबाला ने इसे निभाया तो सेंसुअलिटी को पर्सोनिफाई कर दिया, जिसकी मिसाल अब तक तो नहीं मिली है। की उम्र में बेबी मुमताज फिल्म बसंत में दिखाई दी। 14 साल की उम्र में जब वो पहली बार हीरोइन के रूप में केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में आई, तब भी वो मुमताज ही थी। हालांकि उनकी खूबसूरती को देखकर देविका रानी जी ने उन्हें मधुबाला का नाम दिया। क्या आप ये मरना पकी हैं? आपको इसमें शक क्यों है? सीने की सूरत से तो आप भले आदमी हैं। सीरत में भी कुछ ऐसा बुरा नहीं हूँ। एक कलील ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की आरजू की और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया। ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। परवृत्ति का मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा कि मैं साहिब आलम से बेवफा कर सकूं। 1949 में फिल्म महल के रिलीज होने के साथ पूरा देश मधुबाला का मुरीद था। मधुबाला की खूबसूरती कभी रूहानी लगती थी, कभी बस एक चंचल लड़की का लड़कपन, कभी ऐसी कि दिल धड़कना ही भूल जाए। उनकी इस रेंज के पीछे छिपी थी कमाल की अदाकारी, जो मिस्टर एंड मिसेस 55, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी और अनारकली में देखने को मिलती है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए 16वीं लोकसभा का सफर। नमस्कार।